उससे एक धारणा बने कि हम इस सोच को, इस सच्चाई को हर जगह पहुंचा दें। क्योंकि तो जिसको रोशनी होती है, जिसको ज्ञान होता है, उस व्यक्ति को कोई भी किसी किस्म का डर नहीं रहता, उसको किसी अफवाह का फर्क नहीं पड़ता। तो इस सोच की जरूरत ही जिसे अमन कमेटी ने एनविसेज किया। जो कुछ ऐसे लोग हैं जैसे आप यहाँ पे हैं, आपकी बातें सुन के जो आपने बोला, उन जो आपने बोला, बहुत सीखने को मिला। मुझे भी अमन चाहिए। अमन क्या है? मैं घर पे सोया हूँ और अगर मेरे मन में डर है कि रात को चोर ना आ जाए तो अमन नहीं है। तो मेरे मन में अपनी शांति के प्रति अगर कोई डर है तो उस डर से मेरा अमन खराब होता है। इस चीज को देखते हुए खूब सारे लोगों को एक किस्म की बात फैला करके जब गुमराह कर दिया जाता है तो उस तबके का चैन खत्म हो जाता है। तो फिर वो एक साथ जाके कहीं डल जाती है, जिससे सत्ता हाथ में आती है। 70 साल इसी राजनीति ने निकाल दिए। उसने अगर दलित से वोट मिला तो दलित बना दिए, मुसलमान हिंदू में झगड़ा करा करके वोट मिले तो उसने वो करवा दिए। वो अपनी जगह जो करते हैं, जो भी करते हैं।